तो आज के वीडियो में देखोगे, सबसे पहले ये पहचानो आपको दिख क्या रहा है कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना आज के वीडियो को। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। इस वीडियो में मैं कुछ आपको नोटेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप पहचान सको एक्चुअली है क्या। तो चलो मैं आपको ये नोटिस करके मैं दिखाता हूँ सर्कल के अंदर कि मैं बताना क्या चाहता हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो सर्कल के अंदर है ये क्या दिख रहा है आपको। काफ़ी सारे लोगों को ये पता है कि हाँ, ये एक CBC का स्लाइड है, माइक्रोस्कोप के अंदर हमें प्लेटलेट काउंट करना है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं, जो प्लेटलेट है एक दूसरे के पास चिपके हुए हैं पास पास एकदम। जैसे कि थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसको बोलते हैं हम क्लम्प्स प्लेटलेट। यानी कि जब प्लेटलेट, एक से अधिक प्लेटलेट जब एक दूसरे के पास एकदम करीब आ जाए, चिपक चिपक के यानी कि काफ़ी नज़दीक रहे, तो उसको हम बोलते हैं क्लम्प प्लेटलेट। इस स्लाइड में आपको काफ़ी सारे प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे जो क्लम्प्स है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं कि क्लम्प्स प्लेटलेट हमें कैसे दिखते हैं, क्योंकि बहुत सभी काफ़ी सारे लोगों को ये पता है कि हाँ, जो प्लेटलेट का जो उसका जो डायग्राम होता है, एवरेजन जो साइज होता है, वो साइज़ कितना होता है। लेकिन ये उससे काफ़ी बड़ा है, एक तरह से आप इसको लार्ज प्लेटलेट भी बोल सकते हो। लेकिन जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो इसे काउंट करना हमें मुश्किल हो जाता है। अक्सर आप देखते हो कि मशीन काउंट में जब हम रन करते हैं तो वहाँ पे प्लेटलेट हमें कम दिखाएगा, लेकिन माइक्रोस्कोप पे आप देखोगे तो प्लेटलेट काफ़ी बड़े बड़े एक दूसरे के पास चिपके हुए काफ़ी सारे दिख रहे हैं। तो ये मैनुअल हम काउंट कर ही नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आता है कि इसका रिपोर्टिंग हम करेंगे कैसे, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले आप लोग पहचानिए आखिर में है क्या, कभी ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको कि जो प्लेटलेट क्लम्प्स होते हैं तो कैसे दिखते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और उसको शेयर मारते जाना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके जिनको ना पता हो। आप देख सकते हैं एक्चुअली जब ये मशीन में रन किया गया, तो मैं इसका वैल्यू आपको बताता हूँ। ये मोस्टली 55-60 के एबव में मशीन ने रिपोर्ट किया था। लेकिन इसके पहले मैं एक वीडियो आपको बता चुका हूँ, जब भी अगर लो काउंट दिखाए कोई भी सैंपल, तो सबसे पहले तो उसके क्लॉट चेक करो आप। क्लॉट चेक करने के बाद से आप उसमें एक जो वैल्यू आता है MPB, मेन प्लेटलेट वैल्यूम करके एक MPB का जो एक रेंज आता है, उस रेंज को देखो उसका रीडिंग कितना दिया है। क्योंकि अगर उसका रेंज 9.5 से अगर ज़्यादा आ रहा है, ये हमेशा नोटेट करना दोस्तों, 7.5 से लेकर 9.5 तक नॉर्मल रेंज होता है MPB का। लेकिन अगर 9.5 की अगर ज़्यादा जा रहा है वैल्यू उसका, तो समझो प्लेटलेट काउंट कर मशीन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो उसको मैं मैनुअली आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको मैनुअल आइडेंटिफाई किया, तो मैं देखा कि इसमें काफ़ी सारे प्लेटलेट है, प्लेटलेट उस पेशेंट का लो हो ही नहीं सकता। तो अगर हम लो देंगे तो फिर जो रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट गलत जाएगा, ट्रीटमेंट चालू होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसे कंडीशन कभी भी अगर आए आपको, जिसमें प्लेटलेट अगर क्लम्प्स दिखता है, कुछ कुछ इसमें जॉइंट प्लेटलेट भी दिख रहा है, अगर जॉइंट प्लेटलेट भी दिखता है, तो समझो कि वो जो रिपोर्ट है वो एडिक्वेट है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर नहीं सकते, देखते हैं कितने सारे इसमें दिख रहा है। काउंट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, एडिक्वेट देंगे, यानी कि 150 से लेकर 450 तक हमारा नॉर्मल एज होता है प्लेटलेट का, तो हम इसको 150 प्लेटलेट काउंट दे देंगे। बेसिकली डॉक्टर लोग भी ऐसे ही करते हैं, 150 प्लेटलेट काउंट हम दे देंगे। फिर उसके बाद नीचे हम नोटेड लिख सकते हैं कि फॉलोअप, यानी कि जो ये CBC है इसको आप फॉलोअप करके रिपीट फिर से एक दो दिन में आप चेक करा सकते हो, जिससे आपको और कंफर्म हो जाए कि आपका प्लेटलेट बराबर है ही। अब ये माइक्रोस्कोपी आप देख कंफर्म बोल ही सकते हो कि हाँ, प्लेटलेट इसमें नॉर्मल लेकिन मशीन ने लो दिखाया, जिससे कि इसमें जॉइंट और क्लम्प प्लेटलेट है उसकी वजह से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो कर देना, और बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।